हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो अच्छे होंगे, लेकिन मेरा ये सब क्या क्या करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, सुबह में टाइम नहीं मिलने की वजह से सुबह में टाइम इसलिए नहीं मिलता है कि लोग देख लेंगे सुबह में, इसलिए रात में से दोस्तों मेरा बहुत हेल्प करते हैं। धो ही नहीं है दोस्तों, आप गलत मत समझिए। मैंने धोया है, ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं मेरा। हेल्प ऐसे होता है, हाँ? कपड़ा धोने के लिए हेल्प होता है। बहुत हेल्प करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए कितना सारा कपड़ा धोए हैं। देखो लोग दिन में इसलिए नहीं हमसे धोया गया कपड़ा कि लोग देख लेंगे आते जाते रहते हैं। रात में कहाँ जाएंगे, रात में तो कोई आता नहीं है। रात में बोले जा रहे थे सोने, बोला कपड़ा उपड़ा जो दिन में धोए हैं उसको अभी पसार दे, जैसे छत पर दिन में लोग देखते हैं कि लड़का कपड़ा पसार रहा है। ये सब अन्याय है, एक दिन कोर्ट में जाएंगे हम सभी पतियों को, जो भी लड़के हैं शादीशुदा हैं। अगर लोग नहीं बताते हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं। हमें माफ कर दो, अच्छे से पसारिएगा। इसमें मेरा एक भी कपड़ा नहीं है। आपका है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है। है आपका एक गंजी है, आपका अंदर होगा। देखो ये सब काले करवाते, खाना बनवा लो, कपड़ा मत भिजाओ, बहुत गलत करते हैं। क्या हो जाएगा, कभी कभी ये जरूरी थोड़े है कि लड़की ही करेगी, है कि नहीं? कोई भी काम जरूरी नहीं कि लड़की ही करेगी, कोई भी कर सकता है। हमसे ना हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमको खाना बनवा लो। लेकिन उसे कपड़ा नहीं धोए, ना हो पाई, नहीं हुई हमसे, नहीं हुई। तो हाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का एक बस इतना ही था, कुछ अभी मजबूरियां थी मेरी जो आपको मैं दिखा दिया, और फिर जो है सो सामने ही है, छुपाने का कोई चीज नहीं है कि हम वो हैं, हम ही हैं। देखो भाई, कपड़ा दिन में धोए हैं, रात में बाहर पसारने के लिए आए हैं, क्योंकि रात में कोई तो है नहीं छत पे, चलो इज्जत बच जाएगी।